और मेरा इस महापंचायत से भी निवेदन है कि मैं अपने जो मैंने निमंत्रण स्वीकार करा था उसके लिए मैं यहाँ अपने घर निवास स्थान से चल रहा हूँ। इसमें सब ने मिलकर आपस में पंचायत में पता ने सभी पंचायत में जितने लोग आए हुए थे उन्होंने बड़ी शालीनता से इस समस्या का हल निकाला और जो गलती हुई थी या गलतफहमी पैदा हुई थी गलतफहमी को दूर किया गया। इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों का और पंचायत में जितने लोग आए थे जो पंचायती थे मैं उन सब पंचायतियों का प्रधान जी का अध्यक्ष जी का सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ इस मुद्दे का गलतफहमी को दूर किया। और यही एक हरियाणा की खूबसूरती है कि बहुत से मुद्दे पंचायत में ही सॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह लोगों को कोर्ट अदालतों में धक्के नहीं खाने पड़ते। इसके लिए भी एक हरियाणा जाना जाता है कि पंचायत भगवान का रूप होती है और अच्छे ढंग से फैसला करती है। पहली बार मेरा किसी इतनी बड़ी पंचायत में आना हुआ था और जैसा सुना था वैसा ही पंचायत ने दिखाया। इसके लिए मैं पंचायत का बहुत बहुत आभार हूँ। जिला देख लें तो आगे किसान मिले हैं आपसे जो पंचायत के क्या फैसला रहा? नहीं बहुत अच्छा था। कुछ मनमुटाव जो थे वो दूर हो गए, कुछ गलतफहमियाँ थी वो भी दूर हो गई। एक पंचायती परंपरा के अनुसार जो निर्णय हुआ बहुत अच्छा निर्णय हुआ। तो किसान भी मारे किसान थे खा पंचायतें थी सभी प्रतिनिधि देखा पड़े सभी ने अच्छा निर्णय किया। सब ने हमारी बात सुनी है उन्होंने अपनी बात रखी जो मतभेद था वो दूर हो गया। धन्यवाद। आप साफ बतावांगे साफ बतावांगे एक मिनट साफ साफ बात बतावांगे। देखिए डेढ़ घंटा पंचायत चली बड़ी शांतिपूर्वक से पंचायत चली जोकर पंचायत परंपरा है सारी बात हुई सारे पूर्व लिए समाज ने सारी बात लेके वो जब आखिरी फैसला पहुंचा तो मिड्डा साहब ने माफ़ी मांगी समाज ने माफ कर दिया हमारा फैसला हो गया। ठीक है बस और प्रधान जी आज जो पंचायत हुई है डेढ़ घंटा लग पंचायत रही किस तरह का फैसला हुआ? भाई फैसला तो देखो कर्शन मिड्डा ने जो लड़के दोषी थे वो भी पंचायत के सामने ले आया हूँ उनको भी वो उसके साथ लगते कोई डायरी वाला है जो लड़के थे वो भी आगे उन लड़कों ने भी सॉरी फील करी है। और मिड्डा साहब ने जो ये प्रकरण था जो किसानों को शरारती तत्व बताया था उस बात के लिए भी और जो कहा था कि मैं कोर्ट में घसीटूंगा और उस बात के लिए भी पूरी पंचायत के अंदर माफ़ी मांगी है। और जो सरोखापों की पंचायत थी सब ने सहमति से मिड्डा को माफ कर दिया है। इसलिए हम इस बात को खत्म करते हैं किसान भाई और जो शिकायत की बात थी वो शिकायत भी हमने वापस ले ली। धन्यवाद।